सो हम आपका स्वागत करते हैं हैदराबाद में। सो हैदराबाद कैसा लग रहा है पहले बताइए, पहली बार आई हैं? नहीं, काफ़ी टाइम आई हूँ और मुझे अच्छा लगता है हैदराबाद क्योंकि स्टेट से नज़दीक है मेरे गांव से। तो और आपके यार दोस्त भी बहुत सारे हैं, फ्रेंड्स ऑब्वियसली बहुत ही पसंद कर रहे हैं। जी जी जी। तो कैसी रही आपकी जर्नी, क्या थी आपकी कहानी, अगर हम थोड़ा समझना चाहें तो क्या हुआ था? स्टोरी तो मेरी बहुत डरावनी भी बोल सकते हैं, इंस्पायर भी बोल सकते हैं। तो अंडर 18 मेरा मैरिड डिस्पोज हुआ था और कोमा में गई थी मैं, तो उसके बाद पैर चले गए। दो साल तो मैं बेड पे थी, उसके बाद धीरे धीरे चलना चालू कर दी। उसके बाद 2018 में स्पोर्ट इवेंट में इनकी कि हाँ पैरा के गेम होते हैं, मुझे तो पता ही नहीं था। तो उसके बाद मेरी जर्नी, अच्छी वाली जर्नी स्टार्ट हो गई और मेहनत करते करते आगे आ गई, मैं ओलंपिक तक गई हूँ। तो स्पोर्ट्स में कभी इंटरेस्ट था आपका बचपन से? हाँ, मैं बचपन में जब नॉर्मल थी तब तो मैं खो खो कबड्डी की खिलाड़ी रह चुकी हूँ एज अ स्टेट तक। आगे तो नहीं बढ़ी थी क्योंकि गांव टाउन का कल्चर था मेरा, इसलिए आगे नहीं बढ़ पाई थी। क्या दिक्कतें आई आपको एज अ वुमेन, मतलब जब बिल्कुल एक बंदा हो जाता है ना, दुखी हो जाता है या निराश हो जाता है, कैसे अपने आप को अपलिफ्ट किया? मेरी तो कहानी के हिसाब से देखेंगे तो समाज से भी फाइट करनी पड़ी है, अपने आप से भी फाइट करनी पड़ी है। जो मेरे सामने बहुत सारे मतलब फेस करने के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम थे पर्सनली, उसको हैंडल करना था। उस सब चीज़ों में खुद को एक डिप्रेशन जैसा सीन आने नहीं देना था, कैसे भी करके उभर के निकलना है, इस चीज़ में आगे निकलना है। तो माँ को देखती हूँ, जब भी पापा को देखती हूँ, तो फैमिली मेरी अच्छी है, जब भी दो भाई है मेरे, जब भी कोई भी कैसे भी सिचुएशन रहे, जितना भी हो सके वो हमेशा मेरे लिए अवेलेबल रहे, इसलिए मैं कभी खुद को कम नहीं समझी। आप जब जीत जाती हैं किसी इवेंट पे या स्पोर्ट्स में तो कैसे, मतलब कैसे उसको, बधाई को कैसे मतलब बनाती हैं आप? पहले सेलिब्रेट करती हैं? पहले तो रो लेती हूँ खुल के रो लेती हूँ कि चल अभी आगे की जिंदगी काफी अच्छी है, जिंदगी ने मौका कुछ करने का दिखाया है, तो चलो देश के लिए कुछ अच्छा करके जाएंगे। आपको क्या लगता है स्पोर्ट्स पीपल को क्या सपोर्ट की जरूरत है? ठीक है, एक नॉर्मल स्पोर्ट्स पर्सन को तो सपोर्ट मिलता ही है, बट जब चीज़ें इतनी सही नहीं होती हैं, वैसे ही मेंटली आप स्ट्रगल कर रहे होते हो, उसके बाद आप कुछ करना चाहते हो जिंदगी में तो वो सपोर्ट नहीं मिलता, फंड्स की कमी हुई, वो कैसे आप चाहती हैं कि गवर्नमेंट इस चीज़ पे ज़्यादा जोर दे ताकि जितने भी और भी लोग होंगे जो आगे आना चाहते हैं पर पीछे चले जाते हैं फंड्स की कमी से, क्या बोलना चाहेंगी इस बारे में? सपोर्ट होना चाहिए। हम जो है हैंडीकैप दिव्यांग प्लेयर जो है उनको सबसे ज़्यादा तो मेंटली सपोर्ट की ज़रूरत होती है। अगर समाज हम जैसों को धिक्कारे ना कि हाँ अरे ये तो हैंडीकैप है, अरे ये तो चल नहीं पाती, इस सोच से अगर भर जाएगा ना तो काफ़ी सारी चीज़ें आसान हो जाएगी। गवर्नमेंट तो अभी देख ही रहे, हमारे साथ खड़े ही है इसमें, काफ़ी सारी हाँ फाइनेंशियल तो सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा लगता है और मैन पावर भी काफ़ी ज़्यादा लगता है हम लोगों को नॉर्मल के मुकाबले, तो इस चीज़ को लेके है। अभी वो सपोर्ट मिल रहा है या चाहती हैं आप कोई सपोर्ट आपके फ्रेंड्स के लिए या आगे उन लोगों के लिए कुछ करना चाहती हैं आप? और मैं ऑब्वियसली मुझसे जितना बन पाएगा मैं सबके लिए खड़ा होना चाहती हूँ जो मेरे जैसे प्लेयर है बट आगे आना चाहते हैं बट फाइनेंशियल की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे या ग्राउंड लेवल नहीं, मेंटल स्ट्रेस है, जो भी है उनका प्रॉब्लम, मुझसे जितना बन पाएगा मैं उतना। आगे का क्या ड्रीम है आपका, नेक्स्ट कंपटीशन? अभी तो माइंड में है 24।